नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का वार्ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सोनभद्र की खबर। सोनभद्र राबर्शगंज कोतवाली क्षेत्र के बहनोली गांव के समीप बराची शक्ति नगर हाईवे पर ऑटो स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो में सवार कई लोग घायल हो गए हैं। टक्कर होते ही वहां घायलों की चीख पुकार सुन जुटे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी और सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों का इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो गाड़ी में पति पत्नी समेत ड्राइवर सवार थे। एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर मौके से हुआ फरार हो गया। गाड़ी मालिक को कोतवाली पुलिस अपने साथ ले आई है। सोनभद्र रावर्सगंज थाना क्षेत्र के बहनौली बराशी शक्ति नगर मार्ग पर ऑटो स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत होने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला संयुक्त हॉस्पिटल रावर्सगंज भेजा गया, जिसमें एक को बराशी रेफर कर दिया गया, 4 का इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर का कहना है एक्सीडेंट में 5 लोग आए हैं कि स्थिति नॉर्मल है, एक को रेफर कर दिया गया, 4 का इलाज हो रहा है। हम इधर से गाड़ी लेके जा रहे थे, उल्टा गाड़ी वाला आके ठोक दिया। कहाँ की बात है ये? ये हिनवादी मोड़ से सीधे आ रहे थे इधर मधुपुर की तरफ। वो गाड़ी किधर जा रही थी? वो जा रही थी उधर से आ रही थी, उल्टा रोड से डायरेक्ट घुमा लिया वो। क्या नाम है आपका? तर्मराज यादव। ये लोग एक्सीडेंट करके 5 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक आदमी को रेफर कर दिया गया है, 4 लोग यहीं पे हैं और इनका इलाज चल रहा है। बहुत सीरियस नहीं है, फ्रैक्चर हुआ है, उसका इलाज यहीं संभव है। और क्या रेफर भी हुआ है? जो रेफर हुआ उन्हें जो है जबड़े में चोट आई थी, हेड इंजरी थी, इसलिए उनको तुरंत रेफर कर दिया।